हेलो, आज हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट चीला बनाने जा रहे हैं। फ्रूट चीला बनाने के लिए हम एक कटोरा बेसन, आधा से थोड़ा कम सूजी और आधा कटोरा दही ले लेते हैं और इसमें स्वादानुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और ऑरिगेनो, इस सब को हम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी देकर एक बैटर तैयार कर लेंगे। डोसा के तरह इसका बैटर होना चाहिए और इसका बैटर तैयार करने के बाद हम इसको 15-20 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें सूजी है और सूजी फूलेगा। इधर हम धनिया पत्ता को काट लेते हैं, टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। और हम हरी मिर्च इसकी क्वांटिटी थोड़ा अधिक है, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं है। यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 2-3 हरी मिर्च से भी चलेगा, और 7-8 काजू का टुकड़ा कर रहे हैं। ये फ्रूट चीला है इसलिए इसमें काजू, किशमिश ये सब डालने से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और इधर हम ग्रेट किया हुआ फ्रूट जिसमें चुकंदर, सेब, थोड़ा सा अनार, गाजर, खीरा ये सब डाल दिए, और टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, काजू, किशमिश सब कुछ इसमें डाल दिए हैं और करी पत्ता भी डाल दिए। और फ्रूट को चॉप किए थे उसी समय, उसमें अदरक थोड़ा सा डाल दिए थे। इधर आपको पूरे बैटर में इनो डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे इसमें हल्का हल्का बबल्स टाइप का आ जाए, फ्लफी हो जाए। और तवा को इधर हम गर्म कर लिए हैं और उस पे कुकिंग ऑयल, बटर, घी आप कुछ भी दे सकते हैं। ये देने के बाद बैटर को हम जितना हमारी इच्छा है उतना पसार लेंगे और उसको ऊपर से हल्का कुकिंग ऑयल डाल के ढक देंगे। 5-7 मिनट ढकने के बाद ये देखिए एक तरफ से पक गया, अब दूसरे तरफ से पकाएंगे और पक जाए तो फिर हम इसी तरह से बैटर का बना लेंगे, एक एक करके ढक ढक कर। यदि घोल गाढ़ा लगे तो हल्का आप इसे पानी देके हल्का पतला भी कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। और अभी फलों का समय है, हर तरह का फल अभी मार्केट में अवेलेबल है। और ये ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी भी बहुत होता है।
अब इसे हम सर्व करें। देखिए कितना देखने में ही कितना सुंदर लग रहा है। और इसे हम आम का अचार और ऊपर से हरी मिर्च, हरी मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। धन्यवाद।